हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की रेसिपी जो बनने जा रही है वो बहुत हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, और वो भी नए ट्रिक के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। आज की जो रेसिपी है इसका नाम है चना चाट। तो फिर चलिए इसे हम शुरू करते हैं। पहले हम इसे 6-7 घंटे इस चने को भिगो देंगे, फिर इसे कुकर में हमें बॉयल करनी है। अब इसमें थोड़ा जाएंगे नमक, 1/2 टीस्पून। पानी डालेंगे जैसे चने डूब जाए। इसे हमें 2 व्हिसल देनी है। चना बॉईल हो रहे हैं उसी वक्त हम इस मसाला तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डालेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। इसे थोड़ा पानी डालकर हमें पेस्ट बनानी है। मसाला तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे एक किनारे रख देते हैं। अब इसके लिए हमें लेनी है टमाटर, ककड़ी, धनिया पत्ती, प्याज, हरी मिर्च, इस सबको हमें कट करनी है छोटे टुकड़े में। प्याज को काटनी है, ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे, थोड़े मोटे मोटे काटेंगे लेकिन छोटे टुकड़े में। चलिए फ्रेश धनिया हम कट करते हैं। इसे तीखा और चटपटा बनाने के लिए हमें हरी मिर्च कट करनी है। सारे वेजिटेबल कट हो चुके हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, खीरा, धनिया की पत्ती सारे कट हो चुके। अब चलिए देखते हैं चना बॉईल हुए कि नहीं। दो से तीन व्हिसल में ये चने अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से सॉफ्ट करने हैं। अब हम इससे छान लेंगे और इससे जो पानी निकलेंगे इसे हम इस्तेमाल करेंगे। एक पैन लेते हैं, इसमें हम 3 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा। जीरा भून चुके हैं, गैस को ऑफ करके हम इसमें डालेंगे बनाया हुआ मसाला, इसे ऐड करेंगे। आप हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस ऑन करके हमें इसे पकानी है। मसाले भून चुके हैं, ऑयल भी अलग हो चुके हैं। इसी वक्त हम डाल देंगे
लेमन जूस इसे भी डाल देंगे। चने को हम डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। चना का बॉईल किया हुआ आटा हम इसमें थोड़े ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे कवर करके 2 मिनट ऐसे हम कुक करेंगे। चलिए देखते हैं। इसे हल्का से ड्राई होने तक का हम इसे कुक करेंगे 1 या 2 मिनट के लिए। फिर से हम इसे कवर कर देंगे। चलिए देखते हैं। ये हल्का से ड्राई हो चुके हैं। अब गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। ऐड करेंगे प्लेन सॉल्ट, थोड़े से 1/2 टीस्पून ऐसे, ब्लैक सॉल्ट ये भी 1/2 टीस्पून, चाट मसाला ये 1/2 टीस्पून, सारे को मिला लेंगे। चना पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम थोड़े से ठंडा करके इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। चने ठंडे हो चुके हैं, अब इसमें ऐड करेंगे हम खीरा, ऐड करेंगे टमाटर। आप अपने हिसाब से जितना पसंद करते हैं वेजिटेबल उतना ही ऐड करेंगे। प्याज, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च इसे भी ऐड कर देंगे। यहाँ हम 1/2 लेमन का इस्तेमाल करेंगे। सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम सर्व करते हैं। इस रेसिपी को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और इस रेसिपी को रमजान में ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो के लिए। और हमेशा की तरह खुश रहिए और मस्त रहिए।